दोस्तों, आज हम वाइट की सबसे बेस्ट ओपनिंग जो ज़्यादातर लोग आजकल खेल रहे हैं लंदन सिस्टम और बहुत ही फेमस ओपनिंग है, उसके अगेंस्ट मैं आपको दिखाऊंगा ब्लैक से कैसे आपको खेलना है। तो खास ध्यान रखिए, आज का पूरा वीडियो देखिए दोस्तों और पूरी सीरीज देखिए। और मैंने डी फोर अगेंस्ट के सारे मूव्स आपको बता दिए। क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड के बारे में इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, तो ये पूरी सीरीज देखना मत भूलिए और खास करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे d4 d5। ओके, यहाँ पे वाइट दो तरीके से लंदन सिस्टम खेल सकता है। डायरेक्ट बिशप f4 और दूसरा तरीका है नाइट f3 देन बिशप f4। तो नाइट f3, यहां पे आपको रिप्लाई देना है नाइट f6 और उसके बाद बिशप f4। यहां बेस्ट चॉइस ब्लैक से मैं आपको बताऊंगा सेंटर कंट्रोल करने के लिए c5 पॉन ब्रेक। इसके रिप्लाई में मोस्टली व्हाइट का बेस्ट चॉइस होता है e3। यहां पे आपको खेलना है नाइट c6। ओके, dc5 में क्या होता है उसके बारे में भी मैं बता देता हूं, पर पहले अगर व्हाइट पॉन एक्सचेंज नहीं करता है और e3 करता है तो आपको कैसे खेलना है। नाइट c6 के रिप्लाई में व्हाइट रिप्लाई देगा c3। ये लंदन के सारे मूव्स है, क्योंकि बिशप d3 देन c3 ये सारे लंदन के स्ट्रक्चर है। अब आपको यहां रिप्लाई देना है qb6। ओके, यहां पे व्हाइट की बेस्ट चॉइस होती है क्वीन b3। qb3, उसके रिप्लाई में आपको देना है c4। ओके, अब यहां से दो भाग होते हैं। एक पार्ट में क्वीन टेक्स b6 क्वीन एक्सचेंज, दूसरे पार्ट में क्वीन c2। तो चलिए पहले देखते हैं, अगर व्हाइट क्वीन टेक्स क्वीन करता है तो पोजीशन क्या होगी। यहां पे ए टेक्स b4, नाइट a3 रिप्लाई देगा व्हाइट, उसके बाद यहां पे आपको खेलना है बिशप f5, नाइट c2 को आप स्टॉप करोगे। व्हाइट रिप्लाई देगा बिशप e2, उसके बाद आपको खेलना है सिंपल e6, बिशप टेक्स नाइट के थ्रेट। अब व्हाइट खेलेगा नाइट b5, नाइट फोर के थ्रेट है। यहां आपको खेलना है रुक a5। देखो पोजीशन धीरे धीरे आपकी फेवर में होगी, चेक से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नाइट c7 चेक आता है तो किंग वापस आ जाएगा और फिर आपका बिशप और रुक डेवलप होके प्लानिंग क्या है आपका ए फाइल में अटैक करना। ओके, क्वीन c2 में क्या करना है देखो, अगर ये पोजीशन में व्हाइट क्वीन एक्सचेंज नहीं करता है, क्वीन c2 करता है, तब भी आपको बिशप f5 करना है, बिशप सैक्रिफाइस। अब आप जान सकते हो कि क्वीन टेक्स बिशप पॉसिबल नहीं है, क्वीन b2 के बाद आपको रुक मिल जाएगा और गेम में काफी हद तक आप प्लस हो जाओगे। तो इसका व्हाइट का रिप्लाई होगा क्वीन d2 या फिर क्वीन c1। मेरे हिसाब से क्वीन c1 बेटर है, क्योंकि नाइट d2 की को डेवलप के लिए प्लानिंग कर सकता है। क्वीन c के रिप्लाई में आपको खेलना है e6, नाइट bd2, व्हाइट रिप्लाई देगा। यहाँ पे h6 एक वेटिंग मूव ताकि बिशप g4 या नाइट g4 नहीं आए। व्हाइट रिप्लाई देगा बिशप e2, यहां आपको खेलना है बिशप e7, व्हाइट खेलेगा h3, यहां आपको खेलना है रुक c8। दोनों की ओर से कैसल हो जाएगा, ये पोजीशन कंप्लीटली इक्वल है। इसके बाद व्हाइट खेलेगा रुक e1 और आपको खेलना है क्वीन टू d8। ये पोजीशन से आप काफी हद तक अच्छी तरह से खेल सकते हैं। ओके, ये दोनों हमने देख लिए। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, फोर्थ मूव में
अगर वाइट ने पॉन शुरुआत में एक्सचेंज कर लिया जो आपने C5 किया, तो इंस्टेड ऑफ E3 वाइट यहां तुरंत अगर आपका पॉन ले लेता है, तो यहां आपको खेलना है E6। यहाँ पे आप सभी को पता है कि B4 वगैरह बहुत ही गलत मूव होते हैं, क्योंकि ब्रेक आता है पॉन का और पॉन तो आपको तुरंत ही वापस मिल जाएगा। तो बचाने के बजाय वाइट खेलेगा E3। यहाँ आपको खेलना है बिशप टेक C5, Nd2, ये वाइट का रिप्लाई होगा इस लाइन में, और यहाँ आपको सिंपल कर देना है कैसलिंग। वाइट खेलेगा बिशप D3, नाइट C6, अब ये कैसल, क्वीन E7, वाइट रिप्लाई देगा नाइट B3, आपके बिशप पे अटैक और डेवलप। बिशप B6 जाना है आपको, D6 एक्सचेंज नहीं करना है, क्योंकि सेंटर में ये बिशप काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब वाइट खेलेगा नाइट BD5, और यहां आपको सिंपल डेवलप कर देना है बिशप D7। ओके, सिक्स्थ मूव में मूव ऑर्डर बदलते हैं हम, जो बिशप Nb d2 के बदले थोड़ा सा चेंजिंग करके देख लेते हैं। ओके, ये पोजीशन में वाइट पहले बिशप e2 करता है, तो आपको पहले कैसल कर देना है। उसके बाद वाइट कैसल करेगा, और यहां आपको खेलना है नाइट C6 और फिर नाइट Bd2, और पोजीशन पहले जैसी हो जाएगी। तो ये थी लंदन सिस्टम के सामने खेलने की गेम पूरी ओपनिंग। आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें रिप्लाई देके खेल सकते हो, और ये काफी हद तक इक्वल दिखा रहा है। देखो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो कि इक्वल है गेम। ब्लैक से अगर आप लंदन के अगेंस्ट इक्वल रहते हो, तो काफी हद तक अच्छी है गेम। चलिए दोस्तों, एक हम 3-2 की ब्लीज भी मैं आपको खेल के दिखाता हूँ, जैसे कि D4 D5, और मेरी फेवरेट लाइन सिगोरिन डिफेंस, वही मैं खेलूंगा नाइट C6। थर्ड Nf3 में आप सबको मैंने बताया था बिशप G4, बिशप टेक्स नाइट की थ्रेट है, पॉन टेक्स पॉन, ये बेस्ट चॉइस होती है वाइट की ओर से, और वही उसने किया है बिशप टेक्स नाइट। अब जी टेक्स, ई टेक्स और पॉन टेक्स, तीन चॉइसेस है, तीनों चॉइस के सामने हमारे मूव रेडी है। अगर पॉन टेक्स नाइट किया तो बिशप टेक्स, और ये इसमें आपको क्वीन टेक्स D5 सिंपल। अब ये पॉन को बचाने के चक्कर में वाइट को खेलना पड़ेगा E3। E3 के सामने बेस्ट चॉइस है E5, नाइट C3 आएगा नेक्स्ट मूव में, और यहाँ पे आएगा बिशप B4। आफ्टर Bd2 बिशप टेक्स नाइट पॉन टेक्स और पॉन टेक्स एक्सचेंज करने का है। तो यहाँ पे सिंपल देखो, हम इक्वल गेम है, लेकिन पोजिशनली यहाँ पे ब्लैक प्लस हो गया है। कैसे प्लस है कि आप देखो, पॉन डबल है, आइसोलेटेड है, और दो आइसोलेटेड दो डबल, तो एंड गेम विनिंग है ब्लैक की। हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एंड गेम के बारे में देखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या चाल करता है। नेक्स्ट स्टेप आप सोच के रखिए, लॉन्ग कैसल या शॉर्ट कैसल। मेरे हिसाब से लॉन्ग कैसल भी बेटर रहता है, पर यहाँ पे हमें शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि क्वीन साइड पूरी ओपन है। तो आई थिंक ओके, यहाँ पे रुक टेक्स B7 की थ्रेट है, यहाँ हम सिंपल कैसल कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे हमने एक डिस्कवर बनाया है, नाइट टेक्स पॉन। अगर रुक टेक्स B7 तो नाइट टेक्स पॉन मार के आप सिंपल, आई थिंक हाँ, अब रुक टेक्स C7, अगर रुक टेक्स C7 तो नाइट इंटू F3 चेक, और किंग हो जाएगा डिस्टर्ब। ये हमारी पहली चाल।
बिशप अगर मूव किया तो आपको रुक मिल जाएगा, क्वीन से रुक को सपोर्ट दिया तो आपको ये f3 वाला पॉन मिलता है, अटैक भी मिलता है। कितनी बढ़िया लाइन है दोस्तों। सिगोरिन डिफेंस में आप बहुत तरीके से ब्लैक से काफी हद तक अच्छी तरह से खेल सकते हो, और सिगोरिन के आपको सारे मूव्स चाहिए तो मेरे पुराने वीडियो चेक कर लीजिए, उसमें सिगोरिन डिफेंस के मैंने मूव्स डाल दिए हैं ऑलरेडी। ओके, अब यहाँ पे हम नाइट चेक दे या रुक, R8 बेटर रहेगा, नाइट डिस्कवर चेक दे सकता है इसलिए। ओके, गेम इक्वल है काफी हद तक, लेकिन फिर भी एंड गेम अभी भी हमारे फेवर में है। चलिए यहां पे हम चेक दे के इसको हटाते हैं, और दूसरा जो मूव है चेक देंगे तो किंग आई थिंक f1 इज अ पोज। किंग f1 के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें नाइट भी सेव करना होगा। और फिलहाल इस नाइट को सपोर्ट की भी जरूरत है जो नहीं मिल सकता। एक और भी बढ़िया मूव है, काउंटर अटैक क्यों ना करें हम। काउंटर अटैक इज गुड, बिशप टेक्स नाइट, किंग टेक्स नाइट, हमें रुक ले लेना है। और यहां दूसरा अटैक भी है नाइट इंटू h2 का, पोजीशन काफी अच्छे अटैकिंग में है हमारे। ओके, हमें यहां पे रुक मिल रहा है, देखो नाइट पोज से सिंपल। यहाँ पे हमारा भी रुक जा रहा है तो नाइट टेक्स रुक, वेरी गुड। और उसके बाद हमें नाइट टेक्स e3, शायद नाइट टेक्स e3 पॉसिबल नहीं है। पॉन टेक्स के बाद क्या करेंगे हम, अच्छा हमें एक पॉन और मिल जाए तो नाइट टेक्स e3 इज गुड, और यहाँ पे रुक टेक्स भी सब। ओके, 1 पॉन प्लस ओनली, लेकिन एंड गेम में काफी जीतने के लिए इजी है, टाइम प्रेशर। यहाँ पे हम पिनिंग बिशप को करते हैं, और ये विनिंग बाय टाइम। वैसे भी ये गेम हमारी विनिंग है, आप एनालिसिस बोर्ड में देख सकते हो। यहाँ पे 4.5 पॉइंट प्लस है ब्लैक आफ्टर क्वीन c2, और यहाँ पे आपको तो आगे आप एनालिसिस में ये गेम डाल के देख सकते हो। 5 पॉइंट प्लस मतलब ब्लैक इज विनिंग माइनस पॉइंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और व्हाइट d4 की जो लाइन है, हमने आज देख ली लंदन सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में आपको किंग फियान चट्टो और टोर अटैक दिखाऊंगा, तो देखने के लिए रेडी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके मत भूलिए। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।